पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी अब टूटने की कगार पर है। पार्टी में संयोजक के पद से हटाए गए सुच्चा सिंह छोटेपुर के समर्थकों ने नई पार्टी बनाने की कवायद शुरू कर दी है। इन दिनों सुच्चा सिंह छोटेपुर के समर्थकों की संख्या बढ़ती जा रही है और वो बगावत पर उतारू हैं। बताया जा रहा है कि गुरुदासपुर में अरविंद केजरीवाल का पोस्टर जलाने वाले लोग आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता थे। आप पार्टी की पंजाब इकाई के कार्यकर्ता जो कभी केजरीवाल के समर्थन में मार्च निकाला करते थे, आज उनके विरोध में मोर्चा खोले हुए हैं। नतीजा यह है कि लोकसभा चुनावों में 4 सीट जीतकर विधानसभा चुनाव में फतेह की उम्मीद लगाए आप पार्टी पंजाब में टूटने की कगार पर है। सुच्चा सिंह पर टिकटों की सौदेबाजी का आरोप है, जिसे उन्होंने साजिश करार दिया है और CBI जांच की मांग की है। सुच्चा सिंह को पद से हटाए जाने के बाद पार्टी की पंजाब इकाई के 13 में से 6 जोनल संयोजक सुच्चा सिंह के समर्थन में हैं और सुच्चा सिंह को फिर से बहाल किए जाने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुच्चा सिंह कभी अकाली दल में थे, फिर कांग्रेस में आए, जहां से उन्हें अरविंद केजरीवाल ने संगठन को मजबूत करने के लिए आम आदमी पार्टी में शामिल कर लिया था। पंजाब के लगभग हर जिले में सुच्चा सिंह की अच्छी पकड़ है। ऐसे में अगर सुच्चा सिंह नई पार्टी बनाते हैं तो क्या पता कांग्रेस से नाराज चल रहे जगमीत बरार के साथ साथ नवजोत सिंह सिद्धू का भी उन्हें समर्थन मिल जाए। देखते रहिए TP Live।